नौ एंट्री में प्रवेश देने पर ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो आया सामने। ये पूरा मामला आईटीआई बाईपास का है। गाड़ी लेकर ड्राइवर धनिया लेकर छिंदवाड़ा से जबलपुर आ रहा था, तभी ट्रैफिक सिपाही ने आईटीआई बाईपास के पास उसे रोक लिया और जबलपुर के पास अंदर जाने के लिए उससे अवैध वसूली के तौर पर 300 रुपये मांगे। जब वाहन चालक ने रुपये देने से मना किया, तब ट्रैफिक सिपाही द्वारा ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की गई एवं ट्रैफिक सिपाही द्वारा उसे ड्राइवर का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। वाहन चालक ने बताया कि वह सातों दिन जबलपुर के कृषि उपज मंडी आता है, जहां इसके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। क्या हुआ आपके साथ, क्या परेशानी हो रही थी आपको जबलपुर शहर में? आप नौ एंट्री में इतना पैसा खा रहा है, ठीक है, ये 200-300 आपसे गाड़ी गलौज कर रहा था, मारपीट मेरे साथ कर रहा है, मोबाइल फोड़ा। क्या पैसे की मांग कर रहा था? पैसे की मांग कर रहा था, 100 रुपए। अच्छा, मतलब जबलपुर शहर में यही हो रहा है? बस जबलपुर में यही तो हो रहा है, पूरा चुरा। पैसे नहीं दिए तो आपसे मारपीट कर, मारपीट करने लगा, गाली गुप्तार। मोबाइल भी तोड़ा आपका? हाँ, मोबाइल तोड़ा मेरा, ये मोबाइल तोड़ दिया। कहाँ से आए थे आप, कहाँ जा रहे भैया? मैं उमरेड से आया हूँ, छिंदवाड़ा उमरेड। अच्छा, धनिया लेके आता हूँ, सब्जी भाजी लेके डेली आता हूँ, ऐसा कोई दिन बाकी।